हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, हमारा चैनल अनोखा स्वाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वेजिटेबल फ्राइड राइस भी आप बोल सकते हैं, जो मैं बंगाली स्टाइल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुलाव कैसे खिला खिला बनाया जा सकता है, वो आप आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगी। मैंने यहाँ 1 कप गाजर लिया है, फ्रेंच बीन्स लिया है 1 कप, यहाँ फूल गोभी लिया है 1 कप, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक से चॉप कर लिया है, और 50 ग्राम के करीब पनीर लिया है, और 1 कप मटर लिया है जो मैंने बॉयल करके रखा है। घी हम यूज़ करेंगे, नमक हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ 1/2 कप चीनी मैंने लिया है, और यहाँ मैं थोड़ा सा बटर यूज़ करूँगी जिससे फ्लेवर और थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ 20-25 लौंग है, 10 यहाँ, 10-12 यहाँ इलायची है, और दालचीनी यहाँ 5-6 है, 1 तेज़पत्ता है, काजू लिया है 20-25, किशमिश भी 10-20-25, और 2 सूखी मिर्च मैंने ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया है, उसमें मैं और 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। आप इसे ऐसे रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में इस फ्राइड राइस का पुलाव को रेडी करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारा घी देखिए, बटर दोनों मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो इलायची था, दालचीनी, लौंग, सूखी मिर्च और जो तेज पत्ता था, वो सभी इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और इसे हमें थोड़ा सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। जब एक अच्छी खड़े मसालों से सब अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब हम इसमें काजू और किशमिश ऐड कर लेंगे। काजू और किशमिश को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। आज मैं पुलाव थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में बनाऊँगी। ये थोड़ा सा मीठा मीठा खाने में होता है, पर मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम तेल को थोड़ा में जो काजू किशमिश है उससे थोड़ा सा साइड कर देंगे, और उसी तेल में पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो दूसरे पैन में भी पनीर को फ्राई करके रख सकते हैं, पर मैं टाइम सेविंग के लिए यही पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। मैं हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे ज़्यादा, जस्ट थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप ये राइस चिकन मटन करी के साथ ले सकते हैं, इवन कि सोया चिली। मेरे चैनल में जो रेसिपीज़ है, सोया चिली, चिली चिकन, ये सारे साथ भी आप ले सकते हैं। मैंने पनीर को देखिए एक प्लेट में निकाल लिया है, और हमारा काजू किशमिश में भी थोड़ा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक से चॉप करके जो रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। प्याज में थोड़ा सा जब कलर आ जाएगा, तब उसी वहीं तक हम इसी स्टेज तक हम प्याज को फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, गाजर, फूलगोभी और जो फ्रेंच बीन्स हमने लिया था वो सभी हमने इसे इसमें ऐड कर दिया है, और हमें वेजिटेबल्स को थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और हमें इसे और एटलीस्ट और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंच बरकरार रखना है, नहीं तो हम बाद में जब पानी यूज़ करेंगे उसमें भी वेजिटेबल्स थोड़ा सा कुक हो जाएंगे, और फिर हमारा पुलाव खाने में अच्छा नहीं बनेगा। अब हम जो ग्रीन पीस लिए थे मटर, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने मटर को थोड़ा सा पहले से उबाल के रखा हुआ था। हमें इसे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बासमती राइस यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ 3 कप के करीब बासमती राइस लिया था, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके और आधे घंटे के लिए इसे भिगो के रखा था, और पानी को छान लिया था। फिर हम मैंने इसे इसमें मिक्स कर दिया है, और हम वेजिटेबल्स और राइस को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस घी में हमें राइस को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। मैंने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, मैंने 6 कप पानी ऐड किया है। मैंने 3 कप राइस लिया था, उसका डबल पानी, 6 कप मैंने यहाँ पानी यूज़ किया है। पनीर को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें नमक को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक दिया है, और मैंने यहाँ चीनी को भी ऐड कर दिया। यहाँ आप नमक और चीनी का बैलेंस चेक कर लीजिएगा।
बंगाली पुलाव में थोड़ा मीठा पसंद ज़्यादा करते हैं, तो आप मीठा यहाँ अपने हिसाब से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप कितना मीठा पसंद करते हैं। हमें आप फ्लेम को हाई कर देना है और हमें इसे उबाल आने का वेट करना है। जब हमारा पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए और पकाना है। देखिए जब इस स्टेज में चावल हमारा तैरने लगेगा, चावल के दाने बहुत ही बड़े बड़े हो जाएंगे, उसी स्टेज में हम थोड़ा सा यहाँ नमक और चीनी के पानी को एडजस्ट कर लेंगे और इसे कवर करके और 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे चावल और थोड़ा सा फूल जाए और पानी और थोड़ा सा कम हो जाए। इसी स्टेज पे हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, इससे चावल खिले खिले होते हैं। देखिए नीचे थोड़ा सा पानी है अभी भी। अब हम चावल को थोड़ा सा उलट पलट कर देंगे और हमें इसे बहुत सावधानी से करना है, जिससे चावल टूट नहीं जाए। इसके बाद हम चावल को और टच नहीं करेंगे, हमें इसे फिर से 10 मिनट के लिए और ढक के पकाना है। हम गैस के फ्लेम को यहाँ थोड़ा सा हाई कर देंगे, जिससे पानी जल्दी सूख जाए, और हम यहाँ थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि पानी अभी सूखा है कि नहीं। वो हम किस कैसे चेक करेंगे, हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ को हमें इसे अंदर देखना है, यदि साफ निकलता है तो हम समझेंगे हमारा पानी सूख चुका है। हमारा पुलाव यहाँ 90% कुक है। अब हम इसे कवर कर देंगे और यहाँ 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और हम इसे अभी नहीं खोलेंगे। 10-15 मिनट बाद हम इसे खोल के चेक करते हैं। देखिए हमारा पुलाव बहुत ही खिला खिला रेडी हो चुका है। जिसको पुलाव बनाने में समस्या होगी वो ये स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, उनका राइस बहुत ही अच्छा होगा पुलाव। मैं इसे थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में बनाई हूँ, ये थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। अब मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये राइस की रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके बताइएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा आपकी ये राइस की रेसिपी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप चिकन करी, मटन करी, इवन की सोया चिली, चिली चिकन और विभिन्न रेसिपीज़ आलू दम आलू विभिन्न साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नए और एक रेसिपी के साथ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।